वहीं छत्तीसगढ़ की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया सहित 3 जिलों के पेंडिंग कैश के निराकरण के लिए बैठक ली। बैठक में महिला आयोग के अन्य सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी भी मामले से जुड़े पक्षकार मौजूद रहे। सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया तीनों जिलों को मिलाकर कुल 36 प्रकरण की सुनवाई की गई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की उपस्थिति में मौके पर त्वरित रूप से अलग अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हुए नियमानुसार मामले का निराकरण किया गया। आज हमारे यहाँ पर कोरिया में जो सुनवाई है, सातवीं सुनवाई है और हमारे महिला आयोग की 260वीं जन सुनवाई है। आज हमारे पास वैरायटी ऑफ केसेस हैं। एक ट्रांसपोर्टर महिला का था विवाद, उस प्रकरण को हमने तहसीलदार मैडम को ट्रांसफ़र किया है कि वो दोनों का सुलहनामा करा दें। दो प्रकरण सुलहनामे के लिए दिया है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बैकुंठपुर को और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर सूरजपुर को। एक केस में सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने की घोषणा उनके गाँव में ही कराई जाएगी और आज एक जो सुलहनामा हुआ है अभी पति पत्नी का, उसमें एक साल तक निगरानी रखेंगी और दूसरी महिला जो उसके घर पे रह रही है उसे नारी निकेतन भेजा जाएगा। एक सबसे मज़ेदार मामला ये रहा कि महिला आयोग में जो पीड़िता ने केस लगाया था, उस केस में पीड़िता को मुआवजे में 21 लाख रुपये एकमुश्त मिल चुके हैं और उसके समझौते के आधार पर आज पीड़िता ने अपना केस वापस लिया। तो हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि महिला आयोग में केवल आवेदन लगाने के बाद और एक दो सुनवाई के बाद उसे इतनी बड़ी राशि भरण पोषण के रूप में मिल गई, समझौते के रूप में मिल गई, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट।